नमस्कार, डेली न्यूज 360.com में आपका स्वागत है। झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने रविवार को घोषणा पत्र जारी किया। इसमें परिवार के एक सदस्य को नौकरी देने का वादा किया। कांग्रेस प्रदेश प्रभारी आरपीएन सिंह ने कहा कि राज्य में अगर गठबंधन की सरकार बनी तो 6 माह के अंदर रिक्त पड़ी सरकारी नौकरियों को भरा जाएगा। कांग्रेस ने घोषणा पत्र में यह भी दावा किया कि जब तक नौकरी नहीं मिलती है तब तक परिवार के एक सदस्य को बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। हालांकि इसमें यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि जिस घर में पहले से नौकरी है तो उन्हें भी इसका लाभ मिलेगा या नहीं। बताते चले कि कांग्रेस झामुमो और राजद के साथ गठबंधन के तहत झारखंड विधानसभा चुनाव लड़ रही है। इसमें झामुमो को 43, कांग्रेस को 31 और राजद को 7 सीटें मिली है। घोषणा पत्र की प्रमुख बातें इस प्रकार हैं: ज्यादा से ज्यादा महिलाओं को पुलिस में नौकरी दी जाएगी। अकेले यात्रा करने पर महिलाओं को सरकारी बस में मुफ्त यात्रा करवाई जाएगी। किसानों की 2 लाख रुपए तक का ऋण माफ किया जाएगा। लघु वन उपज के लिए कानून बनाएंगे। रांची में मेट्रो रेल लाई जाएगी। धनबाद व जमशेदपुर में भी मेट्रो रेल चले इसकी रिपोर्ट बनाकर केंद्र सरकार को भेजी जाएगी। जिन परिवार की आय 10,000 से कम है उनकी बच्चियों को मुफ्त में साइकिल दी जाएगी। भीड़ की हिंसा में सख्त सजा का प्रावधान किया जाएगा। धान के लिए 2500 रुपए प्रति क्विंटल न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP तय किया जाएगा। हर पंचायत और ग्राम सभा में गुणवत्तापूर्ण इंटरनेट कनेक्टिविटी सुनिश्चित की जाएगी। हर जिले में एक पुस्तकालय की स्थापना की जाएगी। एक केंद्रीकृत ई लाइब्रेरी का निर्माण किया जाएगा। पेट्रोल व डीजल पर वैट की दर कम की जाएगी। धन्यवाद। Thank you.